सो हेलो गाइज, माई नेम इज देव। मैं बीबीएससी कर रहा हूँ, अभी मैं स्टूडेंट हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बीबीएससी के बारे में बताऊंगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। देखिए, बीबीएससी का एडमिशन बहुत से लोग पूछते हैं, यार मैं बीबीएससी का फॉर्म भर दिया, पेपर कब होगा? भैया मैं बताना चाहता हूँ, नीट आप एग्जाम में, आपको सबको पता होगा जो बायो से प्लस टू करते हैं उनको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। नीट का एग्जाम देने के बाद आप उसमें जो मार्क्स लेके आते हो, ठीक है, उसके बाद आपको मान लो आपका मन कर गया कि यार मेरे को तो गढ़वासू में एडमिशन चाहिए, कोई कह रहा है कि यार मेरे को तो लुवास में चाहिए, तो आप प्रत्येक यूनिवर्सिटी की साइट पर जाते हो, उनका फॉर्म भरते हो, ठीक है, उनको अपने फॉर्म भरते हो, उनकी फी पे करते हो, देन उसके बाद आपके उनके नीट के नंबर एडमिशन मतलब रिजल्ट आने के बाद आप उसमें नंबर भर के दे देते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपका यूनिवर्सिटी लिस्ट बनाती है एंड आपका उसमें मेरिट लिस्ट में नाम आया था, आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बीबीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा, वो पहले होता था, अब चेंज हो गया क्राइटेरिया। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत से आप लोगों के, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। और अगर आप पूछते हैं कि यार प्राइवेट में एडमिशन कैसे होगा, प्राइवेट में कम नंबर में भी एडमिशन हो जाता है, थोड़े बहुत आप नंबर ले आओगे तो हो जाता है, बट उसमें फीस ज्यादा लगती है। एंड एक चीज और क्लियर कर देता हूं, देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेता है वो उसकी होती है गवर्नमेंट सीट, बात खत्म, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट में एडमिशन लेता है ना, उसके दो कोटा होते हैं प्राइवेट में, एक स्टेट कोटा एक मैनेजमेंट कोटा। एक एग्जांपल देता हूं, मैं भी प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट हूं, बट जैसे मेरे कॉलेज में ना 40 मैनेजमेंट कोटा की सीट है, 40 प्राइवेट मतलब स्टेट कोटा की। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा के कॉलेज में हूँ, तो मेरे को सीट मिलेगी स्टेट कोटा की, क्योंकि मैं हरियाणा वाला ही हूँ। मेरी फीस लगेगी, मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, मेरी फीस लगी मान लो स्टेट कोटा वालों की 25 लाख, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा वाले आएगा, कोई मान लो दूसरे स्टेट का आ गया, कोई आ गया मान लो इधर का आ गया महाराष्ट्र का, वो कहेगा यार मेरे को भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो हमारे कॉलेज में अगर वो एडमिशन लेगा तो उसको कौन सी मिलेगी? मैनेजमेंट कोटा की। फीस उसकी लगेगी 35 लाख, क्योंकि मैनेजमेंट की ज्यादा होती है, बट प्राइवेट की फीस तो प्राइवेट की ही होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें कम है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सभी सीट्स गवर्नमेंट होती हैं, प्राइवेट में स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा होता है। ये बड़ा डाउट था, ये भी क्लियर कर दिया। जो ये वीडियो यहां तक देखेगा उसको ये पता चल गया होगा, जिसको नॉलेज नहीं थी, जिसको थी बहुत ही अच्छी बात है। सो मैंने इस वीडियो में आपको इन जनरल ये बता दिया था। एंड एक और बात बताना चाहूंगा, फॉर्म नीट के तो आपने भर रखा होगा, नीट का एग्जाम भी है, ऑल दी बेस्ट उसके लिए आप सबको। एंड जो नीट के बाद आप अगर लुवास वालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लुवास के फॉर्म निकलेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा, टाइम टू टाइम आप चैनल पे रहो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अपडेट रहोगे, फॉर्म भर देना, आपका नाम आ जाएगा उसमें, तो अच्छी बात है, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट के लिए अगर कोई भी क्वेरी हो मेरे से आप मैसेज करके पूछ सकते हो, उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। एंड बात करते हैं मथुरा वालों की, उनके फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हो, नीट से पहले निकाल दिए उस यूनिवर्सिटी ने फॉर्म, गढ़वासू के भी फॉर्म निकलेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी की आप साइड जाकर चेक कर लो। हमको इतना मतलब खुद से आप दिमाग लगाओ कि जिससे मेरे को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप उसकी साइड जाकर चेक करते रहो, अनाउंसमेंट में क्या आया हुआ है, फॉर्म निकले हैं तो आप भर दो, ठीक है, नहीं निकले तो आप नीट दो, उसके बाद निकलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। अगर कोई भी डाउट है आप मेरे को मैसेज करो, मैं क्लियर कर दूंगा। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय माय फ्रेंड्स।